ईशा देओल ने बहुत कोशिश की उनकी शादी ना टूटे, लेकिन उनके पति ने धोखा दे ही दिया। टूट गई हेमा मालिनी की बेटी की 12 साल पुरानी शादी। दोनों ने आपसी सहमति से ले लिया है तलाक का फैसला। छोटी बेटी मिराया के जन्म के बाद से ही पति का बदल गया था स्वभाव। भरत पर लग रही है बेंगलुरु की लड़की से अफेयर के आरोप। जनवरी में ही ये खबर आ गई थी कि ईशा देओल और भरत तख्तानी की शादी टूट चुकी है, और अब एक महीने के बाद कपल ने ये मान लिया है कि उनकी शादी डायवोर्स की राह पर है। ईशा देओल और भरत तख्तानी ने मीडिया को ये बयान दिया है कि उनकी 11 साल पुरानी शादी टूट चुकी है। दोनों ने एक साथ मिलकर ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमारी लाइफ में ये बदलाव हमारे और हमारे दोनों बच्चों के हित में है, जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। हम इस बात की सराहना करेंगे कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए। ईशा देओल और भरत तख्तानी की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी मिराया 6 साल की है तो छोटी बेटी राध्या 4 साल की। दोनों फिलहाल माँ के पास ही रह रही हैं। भरत और ईशा के बीच अलगाव पिछले 6 महीने से चल रहा है। तलाक के बाद भरत अपनी दोनों बेटियों का पूरा खर्चा उठाएंगे और इनकी परवरिश की जिम्मेदारी ईशा देओल की होगी। बताया जा रहा है कि भरत तख्तानी का बेंगलुरु की एक लड़की से अफेयर चल रहा है और इसी वजह से दोनों की शादी टूटी है। खबर है कि इसी वजह से ईशा देओल ने पति का घर छोड़ दिया है और वो अपनी माँ के पास मायके आ गई है। ईशा देओल और भरत के रिश्ते में अलगाव छोटी बेटी मिराया के जन्म के बाद से ही आने लगे थे, और इस बात का जिक्र खुद ईशा ने अपनी किताब अम्मा में किया है। ईशा ने अपनी बुक में लिखा था, मेरी दूसरी बेटी के जन्म के बाद कुछ समय के लिए मैंने देखा कि भरत चिड़चिड़े हो गए हैं, मुझसे चिढ़ने लगे हैं। उन्हें ये लगा कि मैं उन पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। एक पति के लिए इस तरह महसूस करना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उस समय मैं राध्या के प्ले स्कूल की पढ़ाई और मिराया की देखभाल में व्यस्त थी। साथ ही मैं अपनी किताब लिखने और अपनी प्रोडक्शन मीटिंग्स में भी बिजी थी, इसलिए वो उपेक्षित महसूस करते थे। मैंने तुरंत अपने तरीकों पर ध्यान दिया। मुझे वो समय याद आया जब भरत ने मुझसे एक नया टूथब्रश मांगा था और ये बात मेरे दिमाग से निकल गई थी, या जब उसकी शर्ट प्रेस नहीं हुई थी, या जब मैंने देखे बिना कि उन्हें दोपहर के लंच में क्या दिया गया है उन्हें काम पर भेज दिया था। वो बहुत जरूरतों वाला आदमी है, और अगर मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकी तो कुछ गड़बड़ है। मैंने तुरंत इसे ठीक किया। ईशा देओल छोटी बेटी के जन्म के बाद से ये समझ गई थी कि उनके पति को अटेंशन चाहिए, लेकिन दो छोटे बच्चों को पालने के बीच वो पति पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उस दौरान वो अपने लुक का भी ख्याल नहीं रखती थी। ईशा ने अपनी बुक में इसका जिक्र करते हुए लिखा, मेरे पति भरत अलग हैं। अगर उन्हें कोई समस्या महसूस होती है तो वह सीधा मेरे सामने आकर बताते हैं, लेकिन ऐसे पुरुष भी हो सकते हैं जो इतने आगे नहीं आते। रोमांस को जीवित रखना आप पर निर्भर करता है। मुझे लगा कि मैं कुछ समय से उसके साथ डेट नाइट्स या मूवी के लिए बाहर नहीं गई हूँ, इसलिए मैंने अपने ट्रैक से बाहर निकलने, अपना जूड़ा ढीला करने, एक अच्छी पोशाक पहनने और फिर वीकेंड पर उसके साथ बाहर जाने का फैसला किया। ईशा ने पति के साथ रिश्ते सुधारने की बहुत कोशिश की। उनकी शादी ना टूटे इसके लिए वो अपने घर और पति का पूरा ख्याल रखने लगी, लेकिन इसके बावजूद भरत तख्तानी ने पत्नी को छोड़ किसी और से प्यार कर लिया। हो सकता है कुछ दिन बाद भरत तख्तानी दूसरी शादी करेंगे और ईशा अकेले अपने दोनों बच्चों की परवरिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।